देश आधुनिक युग की कई सदियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आज तक दुख और परेशानियों से निजात पाने के लिए कई परंपराएं ऐसी चलन में हैं जो झकझोर के रख देती है। ये आस्था है या अंधविश्वास, आप खुद ही तय कीजिए। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। ये बैतूल के गांवों की तस्वीरें हैं। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली वो तस्वीरें हैं जो महज परंपराओं के नाम पर निभाई जा रही हैं। इन तस्वीरों में जो दिख रहा है वो सही है, बिल्कुल सही है। जी हाँ जनाब, आप सही देख रहे हैं। एक व्यक्ति अपने इंसानी शरीर में सुई के जरिए धागा पिरो रहा है। ये धागा उसके शरीर के आर पार जा रहा है और उसको दर्द का एहसास तक नहीं हो रहा है। दरअसल यह परंपरा महज इसलिए निभाई जा रही है क्योंकि उसने मन्नत मांगी थी और वो पूरी हो गई है। अब यह भी जान लीजिए आखिर ये तस्वीरें हैं कहाँ की। दरअसल ये तस्वीरें बैतूल के एक गांव की हैं, जहाँ हर साल नाड़ा गाड़ा की परंपरा निभाई जाती है। यहाँ चैत्र महीने में मन्नत पूरी होने पर ग्रामीण खुशी खुशी अपने शरीर में नाड़े पिरोते हैं। सूती धागों को गूंथ कर नाड़े तैयार किए जाते हैं, जिन पर मक्खन का लेप चढ़ाया जाता है और उसके बाद पिरो दिया जाता है उस व्यक्ति के शरीर में, जिसका मतलब होता है कि नाड़ा की परंपरा हो गई पूरी। और ग्रामीण इसे बताते हैं कि यह परंपरा वो सालों से निभाते आ रहे हैं। उसकी परंपरा ये है कि जैसा मेरा लड़का बीमार हो गया, मैंने मना दिया कि माता राम मेरा लड़का सुधर जाएगा तो मैं गाड़ा खींचाऊंगा, मैं लिम पहनाऊंगा, ऐसा करके मना देते, वो सुधर जाते तो भाई मान मानता करते हैं। तो ये परंपरा बहुत बहुत दिन से तकलीफ होती है पर थोड़ी टाइम होती है। अच्छा जी, एक मनोकामना तो वो मैया ही जानती है। मेरी 64 साल की उम्र है, अभी भी हाथ पैर में वो ताकत है कि मैं संभाल नहीं सकता नाचने कूदने में। वो माँ की असीम कृपा है और एक परंपरा से चली आ रही है। मनोकामना जो भी सोचो पूरी होती है। अच्छा, जो भी मन्नत कर दो वो बिल्कुल आराम से पूरी होती है, जब तो इतनी जनता जुड़ती है। नाड़ा की परंपरा के बारे में तो आपने जान लिया, अब आप गाड़ा की परंपरा को भी जान लीजिए। दरअसल इस परंपरा के अंतर्गत कई बैलगाड़ी को एक साथ बांधा जाता है और फिर उसे बैलों से खिंचवाने के बजाय खुद ग्रामीण बैल बनकर खींचते हैं। इसका मतलब नाड़ा के बाद अब गाड़ा की परंपरा भी हो गई पूरी और इसको भी ग्रामीण अपनी पुरानी परंपरा मानते हैं, जिसके पीछे उनके कई तर्क हैं। तो भैया कम से कम बहुत पुरानी परंपरा चली आई है, जब माता जी का मंदिर नहीं बना था उससे पहले से, और ये गांव वाले अधिक यहाँ पर मानता जैसे करते हैं, व्रत ये सुख और शांति के लिए करते हैं। अच्छा, पर है ये यहाँ पर शांति हो जाती है उससे। अच्छा, बीमारी की परंपरा तो करीबन बहुत पुरानी परंपरा है भैया, ये करीबन 100-200 साल पहले से। ये वो मन्नत रहती है। किस तरह की मन्नत होती है? जो अपने को तकलीफ रहती है मन्नत मनाओ, माता जी की कृपा से सब अच्छे हो जाते हैं। आपने क्या मन्नत मांगी थी और क्या मन्नत पूरी हुई आपकी? अपना ऑपरेशन हुआ था, मतलब अपन जाने के चक्कर में थे, मैया जी की कृपा से सब ठीक हो गए। इस तरह की परंपराओं का प्रतिरोध करना हमारा मकसद नहीं है। आस्था अपनी जगह है और विश्वास अपनी जगह, लेकिन अगर इसी तरह इंसानी शरीर में बिना किसी सुरक्षा प्रबंधों के शरीर को भेद कर नाड़ा पिरोया जाएगा और किसी इन्फेक्शन का खतरा बनेगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इस पर भी गौर करने की जरूरत नहीं है?
ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, बैतूल।